हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ये शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अब हमने जब शुक्र ग्रह का नाम लिया है, और आप इस नाम को सुनकर के आप भी शायद चौंक गए होंगे कि अभी तो शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है इस दिसंबर के महीने में, 8 दिसंबर को, और अब गुरुजी फिर दोबारा शुक्र ग्रह की परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राशि परिवर्तन की। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए क्या है कि शुक्र जो थे 8 दिसंबर को वो आए थे मकर राशि में अपनी परम मित्र राशि, और वहाँ पर वो 19 दिसंबर को वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टी चाल चलना उन्होंने आरंभ कर दिया था 19 दिसंबर को। अब क्योंकि जब वो 19 दिसंबर से उल्टी चाल चलना उन्होंने आरंभ कर दिया, तो फिर स्वाभाविक है कि वो अगर उल्टी चाल चलते ही रहेंगे तो अपनी पीछे वाली राशि में वापस आएंगे। और यही हुआ है कि अब शुक्र ग्रह जो हैं दिनांक 30 दिसंबर को 2021 का, जो 30 दिसंबर है इसी वर्ष का, दिन गुरुवार का होगा, प्रातः 7:54 पर अपनी मित्र राशि ये मकर से निकल जाएंगे वक्री स्थिति में ही, और वापस ये फिर अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है तो इसलिए वापस आ रहे हैं। जहाँ से निकल करके आए थे वापस वहीं उसी धनु राशि में जा रहे हैं 30 दिसंबर को। लेकिन 5 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। अभी तो वक्री हालत में ही ये धनु में जाएंगे 30 दिसंबर को, लेकिन 5 जनवरी को 5 दिन के बाद ये अस्त भी हो जाएंगे पश्चिम में, और ये अस्त रहेंगे 12 जनवरी 2022 तक। 12 जनवरी 2022 को ये पूर्व में उदय होंगे, और इस राशि में इनका जो साथ है अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ बनेगा 30 दिसंबर 2021 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक, और इसी वजह से ये अस्त हो जाएंगे। तथा 16 जनवरी 2022 से फिर इनका साथ मंगल और इनका दोनों का साथ बनेगा इसी धनु राशि में, और ये जो साथ इनका रहेगा 26 फरवरी 2022 तक रहेगा, यानी कि 29 जनवरी 2022 को शुक्र फिर मार्गी होंगे, यानी कि जनवरी 2022 के अंत में जाकर के ये मार्गी होंगे, और उसके बाद फिर कहीं जाकर के ये दोबारा आगे फिर ये मकर राशि में जाएंगे। तो ये स्थिति शुक्र ग्रह की है। बिल्कुल निसंदेह कि शुक्र ग्रह जो हैं उनका इस दिसंबर के महीने में दो बार राशि परिवर्तन हो रहा है। पहले ये मकर में आए, अब मकर से निकल करके वापस ये पीछे धनु राशि में जाएंगे। अब जब ये धनु राशि में जाएंगे तो जैसा मैंने कहा कि 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये अस्त रहेंगे, सूर्य इनके नज़दीक होंगे, सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी 14 जनवरी 2022 तक 30 दिसंबर से ही, और उसके बाद फिर इनकी 16 जनवरी से मंगल के साथ युति बनेगी इस राशि में। तो किस किस प्रकार के प्रभाव इन आपस में इन ग्रहों की युति बनने से, सूर्य के साथ पहले फिर बाद में मंगल के साथ, क्योंकि 14 जनवरी को तो सूर्य निकल जाएंगे मकर राशि में, चले जाएंगे मकर संक्रांति वाले दिन, उसके बाद 16 जनवरी को फिर मंगल आ जाएंगे शुक्र के साथ धनु राशि में, तो किस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर पड़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि शुक्र ये वो ग्रह हैं कि जब किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो जीवन में वो सारे सुख और वैभव देते हैं, जिसकी हर व्यक्ति को इस संसार में, इस धरती पे कोई भी व्यक्ति है, हर कोई चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो, वैभव हो मेरे पास, अच्छा भवन हो, मकान हो, सारे सुख दुनिया के मेरे पास हों, हर किसी की इच्छा होती है, और उसको पूरा करने वाले हैं शुक्र। जितनी अच्छी स्थिति होगी आपके कुंडली में शुक्रदेव की, उतने ही जीवन में ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और अगर शुक्रदेव की स्थिति कमज़ोर है तो फिर सुख और वैभव में कमी रहेगी। तो ये स्थिति, तो अब शुक्र क्योंकि धनु राशि में है
और सूर्य के साथ उनका युति रहेगा 30 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उसके बाद 16 जनवरी से उनकी युति रहेगी 26 फरवरी तक मंगल के साथ। तो ये जो युति है इनका साथ है होगा सूर्य और उसके बाद मंगल शुक्र का, तो किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में मिलने वाले हैं इसके कारण आप 12 राशियों के जो जातक हैं, तो अब आपको बताना चाहेंगे क्योंकि चर्चा चल रही है 12 राशियों के विषय में। तो ये जो राशि है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है हमारा कार्यक्रम, ये लग्न राशि पर आधारित है। तो आप अपनी कुंडली में जो लग्न राशि है, जहां आपका लग्न है और उस लग्न में जो राशि लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है 12 तक, वही लग्न राशि पर ये आधारित है प्रोग्राम। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो मेष लग्न के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके ऊपर इस शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो साथियों, जैसा कि मैं आपके मेष लग्न के जो जातक हैं एरीज असेंडेंट बेस जातक, उनका चार्ट में देख पा रहा हूँ कि चार्ट में आपके जो शुक्र हैं वो सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे ये आपके भाग्य भाव में। जैसा मैंने आपको बताया था कि सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी 14 जनवरी तक 30 दिसंबर से, तो ये जो समय होगा वैसे तो ये हर दृष्टिकोण से ना तो अच्छा होगा ना बुरा होगा, दोनों ही बातें हैं। कुछ अच्छाई भी हैं जब तक सूर्य के साथ ही रहेंगे, क्योंकि शुक्र सूर्य की आपस में शत्रुता है, तो चीज़ें तो आपको मिलेंगी अच्छी मिलेंगी। छात्र लोग भी अपनी जो एजुकेशन है उसको, लेकिन इसमें क्या होगा, परिणाम तो अच्छे प्राप्त होंगे इस 30 दिसंबर से 14 के बीच में, लेकिन संघर्ष आपको अत्यधिक करना पड़ेगा। संघर्ष की स्थिति में ही आपको परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। भाग्य आपका साथ दे तो देगा तो सही 14 जनवरी तक, लेकिन आपके परिश्रम के साथ, परिश्रम आप करेंगे, परिश्रम को आपके ग्रहों का सपोर्ट है, आप बिल्कुल परिश्रम करेंगे। ऐसी हालात हैं ही नहीं कि जो आप परिश्रम करेंगे ना, आप अपने स्वतः ही आप अपने मन से इच्छा आपकी करेगी कि मैं मेहनत करूं, जो कि बहुत एक अच्छा साइन है, चाहे आप छात्र लोग हैं चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं। तो और 14 जनवरी के बाद जब मंगल इनके साथ आएंगे शुक्र के साथ, तो एक बहुत अच्छा योग बनेगा, और ये योग से फिर क्या होगा, सबसे पहला तो ये काम होगा कि आपके जो भाग्य भाव में मजबूती आएगी, भाग्य भाव आपका मजबूत होगा, और धन भाव को लेकर के थोड़ी सी, धन भाव से मेरा मतलब है कि धन की सेविंग्स को लेकर के या कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने करना है वहाँ थोड़ी समस्याएं रहेंगी आपके लिए, तो बेहतर होगा कि आप अपनी विचार से और अपने सोच के अनुसार कार्य ना करें। अगर आपने कहीं धन इन्वेस्ट करना है या फिर धन की सेविंग करनी है, मतलब मनी सेविंग करना है अपना, तो आप किसी बढ़िया किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही कार्य करें, तब वो आपका कार्य जो है पूरा होगा बढ़िया से। अगर आपने अपने हिसाब से ही कार्य किया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती कमी रह सकती है, तो इसलिए यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि एक्सपर्ट से सलाह लेकर के करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा वैचारिक तौर पे तालमेल में कमी बनेगी, ये स्थिति रहेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, जो भी यात्रा करेंगे वो सुखद रहेगी। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त ये होगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा चलेगा। बस 14 जनवरी तक जब तक सूर्य का साथ रहेगा शुक्र के साथ, तब तक थोड़ी समस्याएं रहेंगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन उसके बाद 14 जनवरी के बाद जब मंगल आ जाएंगे तो आपका जो है वैवाहिक जीवन भी वो सामान्य तौर पे चलता रहेगा, और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और अधिक सफलताओं की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये था आप मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव 30 दिसंबर के बाद 2021 के। अब आपसे बात करेंगे जो वृषभ लग्न के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में कि आपके ऊपर जो शुक्रदेव हैं उनके किस प्रकार के
प्रभाव देखने में आएंगे, राशि परिवर्तन जब उनका होगा, वापस वो जब अपने समराशि धनु में आएंगे मकर से निकल करके। तो देखिए, वृषभ राशि के तो स्वामी स्वयं शुक्रदेव ही हैं, और शुक्रदेव आपके चार्ट में लग्नेश हैं, यानी कि प्रथम भाव फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, और एक हैं सिक्स हाउस के लॉर्ड, और कहाँ बैठ रहे हैं वो अष्टम भाव में। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों के 30 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक का जो समय है ये थोड़ा परेशानियों का समय रहेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद का जो समय होगा ये समय आपके लिए उन्नति का एक तरीके से अवसर लेकर आएगा। यानी कि या तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं अचानक आपको कोई वहाँ पे अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो जाए 14 जनवरी के बाद, और या फिर कहीं दूसरी जगह से कोई अच्छी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। और क्या होगा, परिवार के साथ सहयोग आप करेंगे और परिवार भी आपके साथ सहयोग करेगा, धन के क्षेत्र में भी आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे और सेविंग्स भी आप कर पाएंगे, ये स्थिति रहेगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, कोई लगा हुआ है ऐसा कोई मामला, तो 14 जनवरी तक तो आप बिल्कुल ही चक्कर में ना पड़ें, उसको कोशिश करें कि उससे उसको मामले को ठंडे बस्ते में रखें। जो भी कुछ करना है 14 तारीख के बाद करें, 14 जनवरी 2022 के, तो चीज़ें थोड़ा आपके अनुकूल हो जाएंगी। उससे पहले तो आपको विपरीत परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ेगा इस क्षेत्र में, और थोड़ा शत्रु वर्ग भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और बताना चाहते हैं आपको कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन आपका जो जीवन साथी है उसको एक तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन शुक्र जो बैठे हैं ये काफ़ी हद तक चीज़ों को संभालने के लिए बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि गुरुजी ने बुलाया कि शुक्र संभाल लेंगे तो चलो अब मुझे बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी थोड़ा केयर करें अपने जीवन साथी की, जो भी आप कर सकते हैं उनका पूरा ध्यान रखिएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, और हालांकि शुक्र मैंने जैसा कहा कि हैं संभालने के लिए, संभाल लेंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से सचेत रहिएगा। और बाकी कोई अगर आप लोन आदि लेना चाह रहे हैं बैंक से, तो बैंक ये भी 14 जनवरी तक ही समस्या आएंगी, 14 के बाद थोड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं, आपका काम बन सकता है, लेकिन 14 तक परेशानियां अधिक हैं, उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। और कार्य क्षेत्र में भी आपको जो परेशानियां कुछ हैं, दिक्कतें सामना अगर करना पड़ भी रहा है तो वो भी धीरे धीरे कम होंगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन लगन के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, शुक्र का राशि परिवर्तन 30 दिसंबर से लेके आगे तक फरवरी के लास्ट तक ये रहेंगे वहाँ पर धनु राशि में, तो कैसा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, आपके सप्तम हाउस में ये बैठे हुए हैं, बैठेंगे मतलब 30 दिसंबर से 2021 से और फरवरी एंड तक बैठेंगे ये, तो ये जो हैं आपके चार्ट में, एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे जो हैं ये 5th हाउस के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं ये और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, बैठे हैं सप्तम भाव में, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो छात्र लोग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करना कर रहे हैं, उनके लिए पहले 14-15 दिन थोड़ा परेशानियों वाला समय रहेगा, बाधाओं वाला समय रहेगा, असफलता भी हो सकती है उनको प्राप्त इस 14 जनवरी तक 2022 तक। उसके बाद जो है चीज़ें आसान होंगी, उनमें जो है काफ़ी एक तरीके से सुधार होगा और उसके बाद आपको परिणाम जो है वो अनुकूल प्राप्त होने आरंभ होंगे।
बात कर लेते हैं अब कि क्या जो जिनके लव रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए आप मिथुन लग्न के जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। अब क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है तो इसीलिए मैंने रिलेशनशिप की बात यहां पर कर रहा हूं। किस किस क्षेत्र में किस किस राशि के लोगों को शुक्र जो है अपने राशि परिवर्तन के बाद परिणाम क्या क्या देने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी पहले से रिलेशनशिप है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिलेशनशिप है 16 जनवरी के बाद बहुत आप एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन ये किसी ना किसी जो मुझे समझ में आ रहा है ग्रहों को देख करके कि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरफ को भी इशारा है काफ़ी अच्छा खासा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपने बचना है तो इन चीज़ों से बचिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये मंगल और शुक्र की युति जो बन रही है ये आपको इस ओर एक तरीके से लेके जाएगी। अब ये आपकी समझदारी पर है कि आप कितना अपने आप को बचा के रखते हैं इस चीज़ से। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मैं बताना चाहता हूँ कि विवाह में तो अभी समय है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में जैसे आप रह रहे हैं ऐसे रह सकते हैं, लेकिन अभी विवाह को लेकर के तो कोई ऐसी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने वाकई ये डिसाइड भी कर लिया है कि भाई कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, हमने विवाह करना ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका विवाह हो ही नहीं पाएगा, कर पाएंगे। अगर पूरी तरह से आप डिटरमिंड हैं तो योग ऐसा भी है कि कर लेंगे। और अगर आपने सोचा है कि रिलेशनशिप में ही चलना है तो वो अलग बात है, उसके लिए तो हमने आपको बता ही दिया है। अब आगे बात करेंगे विवाहित व्यक्तियों के जीवन में कैसा रहेगा। तो देखिए, विवाहित व्यक्तियों का जो, क्योंकि ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं विवाह के घर में, तो ये जो 14 जनवरी तक का समय होगा 30 दिसंबर से, जब से इनका राशि परिवर्तन होगा 30 दिसंबर 2021 से लेके 14 जनवरी 2022 तक का जो समय होगा, ये आपके लिए थोड़ा समय जो होगा परेशानी वाला होगा। वैवाहिक सुखों में कमी या वैवाहिक मतलब एक तरीके से जीवन में कह सकते हैं कि तनाव हो सकता है, कुछ परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन हाँ, 14 जनवरी के बाद चीज़ें जो हैं काफ़ी उसमें सुधार होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि अपने क्रोध पर अवश्य काबू रखिएगा। हालांकि क्रोध ऐसा होगा कि वो एक पल आएगा, दूसरे पल वो गायब हो जाएगा, और आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षण आप लोगों की मतलब एक तरीके से उनका खिंचाव आपकी तरफ पूरे, आपका लुक अच्छा हो, आपकी पर्सनैलिटी आपका वाइज आप अच्छे लगें दिखें, इस पर भी आपका फोकस काफ़ी अधिक रहेगा। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा रहने वाली है। और विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, इसका भी योग है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, विदेश से संबंधित यात्रा भी आप कर सकते हैं, इसका भी योग बन रहा है। और बहुत मजबूत योग तो नहीं है, लेकिन हाँ योग है, ऐसा कुछ हो सकता है अपने कार्य से संबंधित, आप जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके विषय में, कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठ रहे हैं ये? 6th हाउस में, छठे भाव में। तो जब ये छठे भाव में बैठेंगे साथियों, तो देखिए, एक तो आपकी इनकम पे तो थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा, कमी रह सकती है या धन की, या धन का अभाव, मतलब थोड़ा आगमन कम हो, धन का कम मात्रा में धन का आगमन हो, या तो ये हो सकता है, या धन आने में ही बाधाएं हो, कुछ ये धन संबंधित समस्याएं बनेंगी और खर्च की भी थोड़ी अधिकता रहेगी। लेकिन आपको हाँ एक बात अच्छी है आपके लिए कर्क लग्न के जातकों के लिए कि देखिए, सूर्य के साथ ये रहेंगे 14 जनवरी तक 30 दिसंबर से, तो जब तक ये यहाँ वहाँ रहेंगे शत्रु वर्ग तो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी अगर करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी उसको, और ना ही वो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ तो आगे भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए अब आपसे मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से यहाँ पर कि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो जब तक ये शुक्र यहाँ बैठे हैं कर लीजिए, आपको बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये काम आप करें, आपका जो है कार्य हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, आपके अनुसार होगा, और यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, उसमें खर्च भी आपका धन कुछ अधिक हो सकता है। साथ ही
जो सुख सुविधाएं हैं उसमें भी आपको उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे, और छोटी मोटी यात्राएं भी आप जो कर पाएंगे अगर करते हैं अवधि में तो वो भी लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ये भी है। और जो छात्र हैं उनकी शिक्षा एक तरीके से कह सकते हैं 16 जनवरी तक तो बहुत अच्छी तरह चलेगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 16 जनवरी के बाद थोड़ी वो उसमें कमी आ सकती है, और वो कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ग्राफ इस तरीके का आप छात्रों का चलेगा 16 जनवरी के बाद। लेकिन हाँ, हालात ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम असफलता वाला योग नहीं है शिक्षा को लेकर के। थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे परिणाम, लेकिन आपका कार्य चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे सिंह लग्न के जातकों के विषय में कि सिंह लग्न के जातकों का कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लग्न के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके कुंडली में थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और एक दूसरे हैं 10th हाउस के, यानी कि करियर के लॉर्ड हैं आपके शुक्र जो हैं, और 30 दिसंबर को ये धनु राशि में जा रहे हैं, वक्री स्थिति में हैं, और काफ़ी टाइम तक ये यहाँ रहेंगे धनु राशि में। और तो आपके लिए भाई देखिए स्ट्रगल बन है, पूरी तरह से स्ट्रगल कराएंगे शुक्र आपसे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको करना पड़ेगा स्ट्रगल, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा। काफ़ी मेहनत कराएंगे, और परिणाम भी जो होंगे वो भी कोई आपके अनुसार प्राप्त हो जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। बस आप अपना मेहनत करें, परिश्रम करें, भूल जाएं कि भाई जब तक शुक्र धनु राशि में है मेरा कुछ कोई अच्छे परिणामों की प्राप्ति मुझे अपने क्षेत्र में हो पाएगी, इस बात की संभावना कुछ कम ही है। हालांकि एक राजयोग बनेगा, बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, अभी भी राजयोग बन रहा हुआ है 30 दिसंबर से जब से ये आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ राजयोग भी है, दूसरी तरफ आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य के साथ अस्त हो गए 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये अस्त रहेंगे, तो 14 जनवरी तक का जो समय है ये थोड़ा परेशानी वाला ज़्यादा ही रहेगा आपके लिए। उसके बाद मंगल आ जाएंगे सूर्य इनके शुक्र के साथ आपके, तो जब ये आ जाएंगे तो भाग्य के भी मालिक हैं मंगल, और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, राजयोग तो तब भी बनेगा। लेकिन बावजूद राजयोग के भाग्य तो आपके साथ देगा, लेकिन परिश्रम आपको करवाएगा ये, आपको थोड़े पापड़ अधिक ही बेलने पड़ेंगे अपने कार्यक्षेत्र में, तब जाकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो छात्र लोग हैं उनकी शिक्षा में बहुत वो अग्रणी रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और शुक्र आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे। बेशक कार्य क्षेत्र में आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन आपको इनकम में कमी नहीं आने देंगे। इनकम के रास्ते आपके अगर पहले से कुछ परेशानियां थी तो अब रास्ते खुलेंगे, और धन भी आपके हाथ में आना शुरू होगा, धन के रास्ते खुलेंगे, धन में वृद्धि भी करा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार का योग जो है ये बनेगा, और भाग्य का मैंने कहा साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं का भी आप लाभ ले पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी। बस एक ही जगह है जहाँ पर कार्य क्षेत्र, जहाँ पर आपको एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डालने पड़ेंगे। आगे बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों के विषय में, यानी कि वृगो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ 2nd हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और एक हैं भाग्य भाव के, नवम भाव के, और बैठेंगे ये चतुर्थ भाव में। तो प्रिय साथियों, भाग्य का सहयोग थोड़ा कम प्राप्त होगा, क्योंकि षडाष्टक योग बना रहे हैं शुक्र, तो इसलिए भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, चाहे आप रोजगार में या व्यापार में, वहां पर आपको किसी प्रकार की परेशानी अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आने देंगे। ये काम बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की भी कोई समस्या, अगर कोई समस्या आएगी भी तो वो आजू बाजू निकल जाएगी, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। तो वहाँ कार्य क्षेत्र में आपके लिए कार्य करना बड़ा आसान हो जाएगा जब तक शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, और कुछ अच्छे परिणाम भी आपके अनुसार मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ भाग्य उन्नति हो जाए, या मेरा कुछ प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, या मैं कुछ, तो इस प्रकार की चीज़ों में कमी है, वो तो अभी नहीं मिल पाएगा जब तक शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही धन भाव की जहाँ तक अगर बात है,
तो हम बता दें आपको साथियों कि धन को लेकर के भी आप अगर कुछ अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से तो 16 जनवरी के बाद जब मंगल भी आपके साथ आकर के बैठेंगे यहाँ, तो भी आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो धन का आप अच्छी तरह, बल्कि आपको मैं आप कहना चाहता हूँ कोई वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि सेकेंड हैंड वाहन के ही चांसेस अधिक हैं, अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे आप ये काम शुक्र के यहाँ रहते हुए धनु राशि में। और 16 जनवरी के बाद से अगर कोई प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग की बात कहीं चल रही है तो वो भी पूरी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा आपका, कर पाएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम। तो ये आप कन्या लग्न के जातकों के लिए रहेगा। और अब बात होगी जो तुला लग्न के जातक हैं उनके विषय में। तो तुला लग्न के तो अगर बात हम कर रहे हैं जब, तो तुला राशि के तो स्वामी शुक्र ग्रह ही हैं, और जो तुला राशि है आपके चार्ट में वो फर्स्ट हाउस में है, तो यानी कि लग्नेश भी हैं, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं शुक्र। और कहाँ बैठेंगे जाकर के, ये थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठेंगे। और ये एक तो अष्टम भाव के एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एक लग्नेश है, और बैठ रहे हैं जाकर के ये थर्ड हाउस में सूर्य के साथ 30 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो समय होगा, जब तक इनका साथ सूर्य के साथ बनेगा तब तक। हालांकि ये एक राजयोग है, लेकिन ये राजयोग ऐसा है कि इसका पूर्ण रूप से फलित आपको मिल नहीं पाएगा, यानी कि धन कायदे में तो जो ये राजयोग बन रहा है सूर्य के साथ, आपको धन का लाभ होना चाहिए, खूब अच्छा लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ तो होगा, लेकिन वो बात होती है ना कि कोई चीज़ मिलती है तो तरस के मिलती है, परेशान होकर के मिलती है, कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे कि लाभ तो कराएंगे लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरह से वो भी करा देंगे, क्या नाम है कि जो हमें ये चीज़ मिल जाए। एक तो होता है बहुत आसानी से चीज़ कोई मिल जाती है, दूसरा होता है उसके लिए कुछ परेशान आदमी ज़्यादा होता है तब जाके वो चीज़ मिलती है, तो यहाँ वही हालात है। लेकिन 16 जनवरी से मंगल का साथ आएगा शुक्र के साथ, और ये एक बहुत बढ़िया राजयोग है, धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। और जब भाग्य का साथ मिलेगा आपको तो निश्चित रूप से सफलताएं भी प्राप्त करेंगे आप अपने क्षेत्र में। हालांकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है, शुक्र अपना परिणाम देंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको प्यार मोहब्बत और सहयोग प्राप्त होगा, जो छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे वो भी लाभ के लिए लाभकारी रहेंगी, जो पब्लिशर्स हैं विशेष रूप से, या राइटर्स हैं, पोइट हैं, कविता वगैरह लिखते हैं, जो भी लेखन का काम करते हैं राइटिंग का, उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, वो बड़ा सक्सेस होंगे अपने शुक्र जब तक यहाँ बैठे हैं। और बुजुर्गों के आशीर्वाद, अगर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, जहाँ तक हो सके उनको भी प्रसन्न रखने की, खुश रखने की कोशिश कीजिएगा कि उनको भी आप प्रसन्न रखें। और धन के मामलों में मैंने जैसे कहा कि फिर 16 जनवरी के बाद जब मंगल का साथ होगा शुक्र के साथ, तो धन की जो आप बचत है वो भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी ऑनवर्ड्स 26 फरवरी तक का जो समय होगा 16 जनवरी से लेके, ये क्या होगा, इसमें जो भी ऐसे लोग हैं कि जो BSF यानी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, CISF वगैरह में जैसी जगहों पर हैं, उनका पराक्रम का लोग तारीफ करेंगे, लोग लोहा मानेंगे, बहुत अच्छा पराक्रम रहेगा उनका, और उनके इस पराक्रम के लिए उनको अपने डिपार्टमेंट में किसी, या तो उनको कोई अप्रिसिएशन लेटर या उनकी प्रशंसा पत्र कुछ इस तरीके का, मतलब कहने का ये उनके मान सम्मान में और यश ख्याति में वृद्धि होगी, और उनका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, अपने कार्यों के दम पर उनकी यश और ख्याति बढ़ेगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और क्या चाहिए, धन का इन्वेस्टमेंट सही जगह करेंगे आप अपने पैसे का, तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तुला लग्न के जो जातक हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के विषय में, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक, तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठे कहाँ पर हैं ये, 30 दिसंबर से बैठेंगे ये धनु राशि में, तो सबसे पहले तो सूर्य के साथ ही बैठेंगे वो, वहाँ सूर्य का साथ उनको मिलेगा, 14 जनवरी तक रहेंगे ये।
तो देखिए, वैसे तो एक तरफ तो 14 जनवरी तक के परिणाम तो कुछ इस प्रकार के रहने वाले हैं, हालांकि ये भी एक राजयोग है, लेकिन ये राजयोग खट्टा मीठा परिणाम देने वाला है, पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। एक तो आप थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है थोड़ा कटु वचन, यानी कि भाषा आपकी कड़वी हो जाए, हालांकि दूसरे तरफ आप सॉफ्ट भी रहेंगे, कभी सॉफ्ट कभी मतलब नरम कभी गर्म, कुछ इस प्रकार की भाषा आपकी बनेगी जब तक सूर्य 14 जनवरी तक यहाँ बैठेंगे। और जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 14 जनवरी को और 16 जनवरी को फिर यहाँ पर आएंगे मंगल लग्नेश, तो ये अच्छा एक योग होगा, बहुत अच्छा योग होगा मैं तो कह रहा हूँ। और लग्नेश का साथ होगा, लग्नेश यहाँ बैठे होंगे, लेकिन फिर भी उस समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी भाषा पर आपने बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। और जो भी आप किसी को बात करते हैं या किसी के साथ आप जो भी बोलते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलें, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने की कोशिश कर देंगे मंगल आपको, उसका फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बनेंगी शुक्र के यहाँ आने से, धन संबंधित मामलों में तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी करेंगे यहाँ बैठ करके। और साथ ही बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकती है, अगर वहाँ तक भी पहुँच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आपको इन बातों का रखना होगा ध्यान, इस बात को लेकर के रहना होगा सचेत अलर्ट। बस शुक्र जब यहाँ आएंगे धन का लाभ कराएंगे, आप सॉफ्ट स्पोकन काफ़ी हद तक रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आप कहीं ना कहीं मुंह से आपके कुछ अनायास निकल जाएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसके लिए बार बार आपको बोल रहे हैं हम। एक वैवाहिक सुखों को लेकर के परेशानियाँ पैदा होंगी, तो ये चीज़ों पर आपने रखना है ध्यान, और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आप अपने, बहुत अच्छा आप अपने बुजुर्गों से, उनसे अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी मतलब कभी प्यार कभी तकरार ऐसा रहेगा, कभी सहयोग प्राप्त करेंगे तो कभी ये हो जाएगा कि भाई नहीं गड़बड़, तो ये चीज़ें चलेंगी, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन कुल मिलाकर के पारिवारिक सदस्यों के साथ जो है संबंध सामान्य ही मान के चलिए। आगे बात करेंगे जो धनु लग्न के जो जातक हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, तो मैं तो आपको बोल ही रहा था कि 30 दिसंबर से ही तो धनु राशि में जा रहे हैं शुक्रदेव, और आपके चार्ट में ये 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे आपके लग्न में जाके, तो यहाँ क्या होगा जब बैठेंगे तो देखिए यहाँ बैठ रहे हैं तो एक राजयोग तो बन रहा है, सूर्य के साथ बैठे हैं पहले दिन से ही 30 दिसंबर से, जैसे वो आएंगे वक्री हालत में धनु राशि में, सूर्य का साथ उनके साथ रहेगा 14 जनवरी तक, तो ये वैसे तो एक राजयोग है, लेकिन ये इस प्रकार का राजयोग है कि खट्टा मीठा अनुभव कराएगा आपको, अच्छे और बुरे दोनों, कभी भाग्य आपका लगेगा आपको मेरा सपोर्ट कर रहा है, कभी लगेगा आपको भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, भाग्य ने तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। ऐसे ही धन के मामले में रहेगा, कभी लगेगा कि धन का आगमन ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ से उम्मीद बंधी हुई है, एश्योरेंस मिल गई है, पता चला नहीं मिला, तो 14 जनवरी तक तो इस प्रकार के हालात बनेंगे। लेकिन 16 जनवरी से जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं मंगल और शुक्र के साथ बैठेंगे, तो ये जो जिनकी पहले से रिलेशनशिप चल रही है ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी, क्लोज होंगे वो एक दूसरे के, और हो सकता है अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है आपस में मैरिज करने की तो आप उसको भी अंजाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन भाई मैं यहाँ पर एक बात का आपको सुझाव देना चाहूँगा कि शादी से पहले कोशिश यही करना कि फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होने पाए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो ऐसा ही इशारा कर रही है जो कि आपके लिए कहीं भी किसी तरीके से उचित नहीं है, तो आपको इन चीज़ों से अगर दूर रहना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो ये था रिलेशनशिप को लेकर के, आप धनु लग्न के जातकों को लेकर के, साथ ही आपकी जो पर्सनैलिटी है आपका जो आकर्षण है वो बढ़ेगा जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित व्यक्तियों के लिए भी कहना चाहूँगा कि भाई आपके जो वैवाहिक सुख हैं उसका भरपूर आनंद आप उठाएंगे, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा तल्खी हो सकती है, तनाव हो सकता है, लेकिन अंततः गोतवा वैवाहिक सुख का आप पूरा आनंद लेने जा रहे हैं, और पर्सनैलिटी भी आपका जो लुक होगा वो भी उसमें भी निखार आएगा,
आकर्षक व्यक्तित्व आपका होने वाला है। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि धन का भी आप संचय कर पाएंगे, अच्छी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग और साथ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे मकर लग्न की, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनकी। देखिए, जैसा मैंने कहा था आरंभ में कि शुक्र जो है मकर राशि से ही निकल करके वापस अपनी धनु राशि में गए हैं सम राशि में, क्योंकि वक्री हालत में उल्टी चाल है 30 दिसंबर को, और वहाँ जैसे ही वो जाएंगे धनु राशि में, वहाँ सूर्य बैठे होंगे, उनके साथ उनका साथ रहेगा 14 जनवरी तक। तो ये जो 14 जनवरी तक रहेगा, तो आपके मकर लग्न के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो हैं, एक तो हैं करियर के लॉर्ड आपके, और दूसरे हैं पंचम भाव के, बहुत अच्छे स्थिति मतलब अच्छे घरों के लॉर्ड हैं शुक्र, लेकिन बैठेंगे कहाँ जा करके, 12th हाउस में सूर्य देव के साथ। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का इशारा तो मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे अचानक कोई आपके कार्य क्षेत्र में आपका कहीं कोई पदोन्नति हो जाए, या कहीं से कुछ अच्छे पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो जाए, ये तो इस बात की संभावना तो है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, शुक्रदेव इतना तो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति बनेगी, अभी 14 जनवरी तक भी है, लेकिन ये जो बनेगी थोड़ा मुश्किल भी है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपको मिल जाए पदोन्नति, उसके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास भी अधिक करने पड़ेंगे, तब जा करके कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्ति हो पाएगा। और अगर आपके कोई लीगल कोर्ट मतलब लीगल मैटर चल रहे हैं कोई कोर्ट कचहरी में, वहाँ पर भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा शुक्र के यहाँ रहने से। धनु में शुक्र आपको वहाँ पर भी काफ़ी राहत दिलाएंगे, कोई आपके अगर कोई चीज़ें अगेंस्ट में जा रही हैं कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ आपको काफ़ी शुक्रदेव जो हैं आपके काम जो हैं वो आसान कराएंगे, तो ये एक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही कार्य क्षेत्र को लेकर के कैसा है, कार्य क्षेत्र को तो मैं बताऊं आपको, देखिए इस बात की संभावनाएं अधिक हैं कि आपको अपने जहां पर भी आप हैं वहां से कुछ अधिक दूरी पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ये दिलवाएं, जहां भी हैं वहां से दूर आपको जाना पड़ सकता है, दूर की ही अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन रहे हैं इसमें। और एक और सबसे अलग बात यह है आप मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र के यहाँ बैठने से, कि आपका धन जो खर्च ये कराएंगे ये अपने ऊपर ही ज़्यादा आप खर्च करेंगे, अपने बनने संवरने पर, सजने पर, अच्छी महंगी वेशभूषाएं वस्त्र पहनने पर, अच्छे अच्छी चीज़ें घड़ी हैं ये है वो है, ऐसी चीज़ों पर आप अधिक अपना पैसा खर्च करेंगे अपने शौक़ पूरे करने पर। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, बाहर मिलेंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और बाहर से मेरा मतलब ये भी है कि विदेश में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी एक बात है। और बता दें आपको, देखिए कि आप मकर लग्न के जो जातक हैं, आप का जो रिलेशनशिप है अगर पहले से चल रही है तो ये और आप क्लोज होंगे एक दूसरे के, ये और मजबूत होगी, इसमें प्रगति होगी। और किसी वजह से रिलेशनशिप नहीं थी और अब प्रयास करते हैं तो ये रिलेशनशिप हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे हम, भावनाओं में बह करके आप फिजिकल कांटेक्ट ना कर लें, विशेष तौर पे अगर आप महिला हैं, क्योंकि बाद में आपके साथ धोखा भी हो सकता है, यहाँ पर इस प्रकार का भी योग है। और बाद में फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप आप एक दूसरे के क्लोज तो आएंगे और यहाँ रिलेशनशिप डेवलप होने के बहुत अधिक प्रबल योग हैं, लेकिन उस योग के में ये भी एक समस्या है कि ये फिजिकल कांटेक्ट की तरफ को भी जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसमें चीटिंग भी है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, संभल के रहना है। रिलेशनशिप तो बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। ये चीज़ आपको मकर लग्न के जातकों को करना पड़ेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न के जातकों के विषय में, तो देखिए कुंभ लग्न के जो चार्ट में देख रहा हूँ एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो शुक्र जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, एक चतुर्थ भाव 4th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे ये 11th हाउस में। तो देखिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें तो आपका बहुत अच्छा रहेगा वर्चस्व,
आपका एक तरीके से आपके कार्यों की भी प्रशंसा होगी, आपकी भी प्रशंसा होगी, आपका अच्छा प्रभाव बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, बिना किसी समस्या के सब काम चल रहे होंगे। हालांकि शनि की साढ़े साथी का आरंभ है ये, लेकिन बावजूद इसके कोई घबराने की बात नहीं, चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ कि भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, और आपको जो छात्र हैं वे भी अपने शिक्षा ग्रहण में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। हालांकि बीच बीच में कुछ थोड़ा सा उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन थोड़ी भी अगर आपने समझदारी से काम लिया तो परिणाम आपके ही अनुकूल होंगे, ये शुक्रदेव आपको कराएंगे। और यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, ये समय आपका है, इन समय ये सफलताओं से भरा हुआ समय रहेगा जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व चारों तरफ छाया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा 30 दिसंबर से जब से ये आएंगे धनु में, तब से 14 जनवरी तक का थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ी दिक्कतें परेशानियां भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपका कोई डिमोशन है या कोई नहीं, थोड़ी चैलेंजेज रह सकते हैं, लेकिन 16 जनवरी से तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, और आपकी जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी करवा देंगे शुक्र। और किसी वजह से रुकावट है अगर इनकम में, तो वो रुकावट दूर होगी, बाधाएं दूर होंगी, पैसा आपको अपने हाथ में दिखाई देगा। आगे बात करेंगे मीन लगन के जातकों के विषय में, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो एर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और एक थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, अकारक हैं यूं तो मीन लगन के लिए, और बैठेंगे ये आपके 10th हाउस में। बेशक अकारक हैं और सूर्य के साथ बैठेंगे, तो हालांकि सूर्यदेव जो हैं वो 6th हाउस के लॉर्ड हैं और ये जो हैं वो 8th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो हैं तो सभी दोनों ही ग्रह पापी ग्रहों के लॉर्ड हैं, लेकिन शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह भी माने जाते हैं और यहाँ पर इनका ये युति बनेगा तो कार्य क्षेत्र में बनेगा, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएँ थोड़ी बन सकती हैं जब तक सूर्य के साथ शुक्र रहेंगे, ये मान के चलिए। हालांकि आपको कुछ जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और जिम्मेदारी मिलने के बाद ही आपके लिए समस्याएं भी रहेंगी, जितना बड़ा पद उतनी ज़्यादा टेंशन, ये स्थिति हो सकती है आपके साथ। और क्योंकि 30 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का धनु में आएंगे ये आपके 10th हाउस में, करियर हाउस में, उसी दिन से इनका 14 जनवरी तक सूर्यदेव के साथ रहेगा, सूर्य का साथ, तो ये जिम्मेवारी भी मिलेंगी आपको, साथ में परेशानियाँ भी साथ में आएंगी। लेकिन 16 जनवरी से जब मंगल आ जाएंगे साथ में यहाँ पर शुक्र के, तो चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ी उसमें सुधार होगा, काफ़ी हद तक। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अगर आपकी अटकी पड़ी है तो वो पूरी हो जाएगी सक्सेसफुली, कोई आपकी प्लानिंग चल रही थी नहीं पूरी हो पा रही थी, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है या कोई इस तरीके का, तो वो पूरा कर पाएंगे आप अगर चाहेंगे तो, प्रॉपर्टी से संबंधित काम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स। और क्या होगा, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जब भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें सब बहुत ही स्मूथ रहेंगी, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर आलस्य की भावना थोड़ी अधिक रहेगी, इस चीज़ को दिमाग से ज़रूर निकालिएगा अपने, क्योंकि आलस्य की अगर आ गया तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ से मिलेंगे, बैठे बैठे तो परिणाम नहीं मिलेंगे ना, तो शुक्र क्या करेंगे यहाँ आपको, बाकी तो चीज़ें अच्छी है उनकी जो देंगे आपको, लेकिन थोड़ा आलस आपके अंदर आलसी स्वभाव बनाएंगे, तो अपने आलसी स्वभाव को दूर रखिएगा। अगर आप अपने आलसी स्वभाव को दूर रखे रहे तो सारी चीज़ें फिर कार्य क्षेत्र हो, भाग्य हो, फिर आप प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हो, सब में आप काफ़ी अच्छा आपको परिणाम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र यहाँ बड़े लंबे टाइम तक बैठने वाले हैं, 30 दिसंबर से लेकर मार्च तक बैठेंगे, ये मार्च में जाके कहीं ये राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये बातों का आपको रखना होगा ध्यान। तो ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में, आपको ये राशिफल मतलब राशिफल इस प्रकार कह रहे हैं कि भाई शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और राशि परिवर्तन की वजह से ही आप 12 जो लगन के जातक हैं उन पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव, जिनकी अभी हमने आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा की है, आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें,
साथ ही चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियो है इसको भी अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप शेयर करते हैं तो और लोग भी इससे लाभान्वित रहेंगे। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अगर आप दबाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न टॉपिकों पर जो भी हमारे वीडियो बनने हैं और जो आने हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे, और उन पर भी आप समय अनुसार अपना लाभ उनका प्राप्त कर पाएंगे उनको देख करके। तो इसी के साथ मेरे प्रिय दर्शकगणों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी।